साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर ले आया हूँ। एक तो सैलरी कम आ रही है साथियों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए हैं उनको लेकर, और एक जो NHM कर्मचारी है इनके लिए, और जो आंगनबाड़ी कर्मचारी है इनके लिए। जी हाँ साथियों, बहुत ही बड़ी खबर ले आया हूँ इनके लिए, दुख भरी खबर है साथियों। 25/6/2022 की बड़ी खबर है साथियों, आपको पूरी जानकारी बताऊँगा, देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक। जी साथियों, कौशल विकास निगम से जुड़े सिविल अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन कम आ रहा है, ये देख लीजिए साथियों। आरोप, कर्मचारियों का आरोप है कि पोर्टल पर गलत डाटा अपलोड किया, अनुभव कम दिखाने से सैलरी घटी, ये देख लीजिए साथियों। सारे डिपार्टमेंट की कमी है साथियों, HKRN की इसमें कोई कमी नहीं है। वो मीटिंग पर मीटिंग ले गए, हर कर्मचारी को बता रहे हैं कि कैसे डाटा अपलोड करना है। अगर कोई कर्मचारी मीटिंग ही नहीं लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि डाटा अपलोड किस तरह से करना है। वो बार बार बता भी चुके हैं, अब इस तरह से आप ठीक करिए, ये करिए, कितनी मीटिंग हो चुकी है साथियों, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो चुकी है आप भी देख सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत 219 कर्मचारी लगे हुए थे, 50 ने कौशल निगम के पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का आरोप लगाया। इन कर्मचारियों का कहना है कि इस डाटा के गलत अपलोड होने के कारण उनका वेतन कम आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये कह रहे हैं कि इनका डाटा गलत अपलोड किया गया है। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस था, उसको ज़्यादा कर दिया गया है। किसी का कम था उसको ज़्यादा, कम ज़्यादा वाले को कम, उनका अनुभव कम दिखाने का आरोप लगाया गया। इन कर्मियों ने बताया कि 1 मई को कौशल विकास निगम के तहत यहाँ ज्वाइनिंग हुए थे और उससे पहले कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। कंपनी के अंडर थे तो दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर को वेतन 18,000 रुपये था। पीएफ कटने के बाद 16,000 रुपये आता था। और वही वार्ड सर्वर, ये धोबी, ये देख लीजिए भाई, ये कह रहे हैं कि 15,950 था, जो कि अब 13,950 के अंतर्गत उनके पास आया है। कौशल निगम के अंतर्गत 13,950 वेतन लेने के कर्मचारियों का वेतन 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से 15,000+ रुपये आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही कम आया साथियों। ये देख लीजिए, सारे कर्मचारियों की मिली भगत है साथियों, इन्होंने डाटा गलत अपलोड किया है, कंपनियों से नहीं मिल रहा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये देख लीजिए सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा। इतने इतने दिन से काम कर रहे हैं, कोई सोलंकी कंपनी का ठेका था, ये देख लीजिए साथियों, बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है साथियों। कई साथियों की सैलरी भी नहीं आई है अभी तक। लगभग ये मान लीजिए कि 40,000 पोर्टल पे थे तो उनमें से 30,000 के लगभग की सैलरी आ चुकी है, 10,000 व्यक्तियों की सैलरी अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि डाटा गलत होने के कारण उनकी सैलरी नहीं आ रही साथियों। तो इस पर भी जल्द से जल्द काम हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि जुलाई में जो आए तो उसकी अटेंडेंस अभी से लगनी शुरू हो जाएं, जो भी जो जुलाई आएगा साथियों तो उसकी अटेंडेंस अभी शुरू हो जाएंगी लगनी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर छुट्टी ले लेता है ना, जैसे उसकी छुट्टी है इस मंथ में, तो वो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ अगले महीने में हम उनकी सैलरी कट कर लेंगे, लेकिन अटेंडेंस अभी से शुरू कर देंगे ताकि किसी को जुलाई की सैलरी में कोई दिक्कत ना आए। यानी कि जुलाई की सैलरी, यानी कि जो जून की सैलरी आएगी साथियों, वो जुलाई की 10 तारीख तक आपके आने का काम होगा, ठीक है। उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अभी अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाएगा तो आप अटेंडेंस शुरू कर दीजिएगा लगाने। दूसरा ये देख लीजिए साथियों, NHM कर्मचारियों के लिए आई है बुरी खबर। इनका ग्रेड पे जो है वो जो मिलता था इनको, वो ख़त्म कर दिया गया है। जो इनको बोनस वगैरह दिए जाते थे ना, अब इनको ख़त्म कर दिया गया है। और ये देख लीजिए, प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों, ये देख लीजिए इनका आगे। NHM 4 साल से पहले लागू सर्विस बॉयज रूल ख़त्म करने की तैयारी, यानी कि इनके जो ये रूल मिलते थे ना इनको, जैसे अब 10 साल पूरे होने के बाद में HR मिलने की सुविधा थी, अब ग्रेड पे मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, ये बेनिफिट मिलने अब सब बंद हो जाएंगे। ये जो इनके जो फिक्स्ड जो सैलरी है ना वो हो जाएगी, और इनके और ये सारे काम मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए ये देख लीजिए रोज प्रदर्शन अपना कर रहे हैं भाई। पंचकूला में भी इनकी मीटिंग हुई है, सभी जगह अब NHM कर्मचारी अपना लग गए हैं। और ये देख लीजिए, अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आई हैं साथियों। ये देख लीजिए भिवाणी से आई है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो सर्विस बॉयज रूल है उसको ख़त्म करने के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा ये रूल ख़त्म ना किया जाए। और हमें ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारा जो फिक्स वेतन है उसको ना किया जाए, हमारा वेतन जो पहले था उसी के हिसाब से कर दिया जाए। और ये देख लीजिए अगली खबर आई है, ये आंगनबाड़ी वर्कर को लेकर, बर्खास्त आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की बहाली के लिए 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। अभी जो पीछे हड़ताल थी जाती है तो उसमें बहुत से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को हटा दिया गया था, तो उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है साथियों। ये देख लीजिए, विभाग जानबूझकर हजारों में महिलाओं का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहा है। 4 अप्रैल को विभागीय अधिकारियों सरकार के अनुरोध में आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि किसी को भी नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 महीने से बहाली लटकी हुई है और 1 कलम से बहाल करने की बात की गई थी। ये देख लीजिए, वही इनके लिए भी बुरी खबर है।
जी हाँ साथियों, हर जगह से हर परेशानी आ रही है। तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने दी आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।